हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। नेशनल सीट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि NSCL का जिसका वैकेंसी निकल के अभी आया है, तो उसका जो ट्रेनी टेक्नीशियन मशीन मैन यानी कि 2019 में ये एग्ज़ाम हुआ था ट्रेनी टेक्नीशियन मशीन मैन का, जो आईटीआई मशीनिस्ट और टर्नर ट्रेड के लिए है ट्रेनी टेक्नीशियन मशीन मैन, उसके क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपको वीडियो देखना तो पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 31 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, टूल पोस्ट ऑफ प्लानिंग मशीन इज माउंटेड ऑन। प्लानिंग मशीन का टूल पोस्ट किस पर माउंट किया जाता है? एप्रॉन, क्रॉस लाइट, क्रॉस रेल, क्लैपर बॉक्स, सैडल। तो प्लानिंग मशीन का जो टूल पोस्ट होता है वो क्लैपर बॉक्स के साथ माउंट किया जाता है, ठीक है, क्लैपर बॉक्स पर माउंट किया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 32 नंबर क्वेश्चन, द टेपर ऑफ इंटरनल डॉवटेल कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ। आपके पास इंटरनल डॉवटेल है, उसको कैसे मेजर किया जाएगा? ये जो है ये है इंटरनल डॉवटेल, ठीक है, ये इंटरनल डॉवटेल, ये जो इंटरनल कोण है, ठीक है, ये जो टेपर एंगल है, ठीक है, यहाँ पे देखिए इंटरनल डॉवटेल का टेपर एंगल है, तो ये जो है ये आपको किसके सहारे से आपको मेजर किया जा सकता है, आंतरिक डॉवटेल की टेपर किसकी सहायता से मापा जा सकता है? तो ऑप्शन देखिए साइन बार, कॉम्बिनेशन सेट, बॉल्स ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन एंड स्लिप गेज, और क्लाइनोमीटर। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा बॉल्स ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन एंड स्लिप गेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच टाइप ऑफ नार्डिंग इज दिस। तो नार्डिंग देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, चित्र में से दिखाए गए नार्लिंग किस प्रकार का है? स्ट्रेट नार्लिंग, डायमंड नार्लिंग, क्रॉस नार्लिंग, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो होगा आपका जो हो जाएगा डायमंड नार्लिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच टाइप ऑफ रिवेट हेड इज दिस। तो पूछा जा रहा है निम्न चित्र में दिखाए गए रिवेट का हेड कौन सी तरह का है? पैन हेड, काउंटर सैंक हेड, मशरूम हेड, स्नैप हेड। तो सही आंसर होगा स्नैप हेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, इन लेद द कैरेज एंड टेलस्टॉक आर गाइडेड ऑन। लेद में कैरेज एवं टेलस्टॉक किस पर मार्गदर्शी होते हैं? तो ऑप्शन देखिए ओनली ऑन वन गाइड है, केवल एक एकल गाइड पर गाइड है पर, उसके बाद देखिए टू डिफरेंट गाइड है, दो विभिन्न गाइडवे पर, गाइडवे एंड लीड स्क्रू, गाइडवे एवं लीड स्क्रू पर, टू डिफरेंट लीड स्क्रू पर, दो विभिन्न लीड स्क्रू पर। तो लेद का जो कैरेज और जो टेलस्टॉक होता है वो डिफरेंट डिफरेंट गाइडवे के ऊपर गाइडवे के ऊपर गाइडेड रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफाइल ऑफ ए गियर टूथ कैन बी चेक्ड बाय। गियर दांत का प्रोफाइल किसके द्वारा परीक्षण किया जाता है?
ऑप्शन देखिए, साइन बार, ऑप्टिकल पायरोमीटर, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर, स्लिप गेज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल प्रोजेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए लेद द नंबर ऑफ गियर अरेंजमेंट इज, लेद में इन ए लेद द टामलर गियर अरेंजमेंट इज, सॉरी इन ए क्वेश्चन आपका जो होगा वो इन ए लेद द टामलर गियर अरेंजमेंट इज, लेद में टामलर गियर का व्यवस्था है। टू मूव द लीड स्क्रू इन द बोथ डिरेक्शन, लीड स्क्रू को दोनों दिशा में ले जाने के लिए। टू इंक्रीज द स्पीड, स्पीड बढ़ाने के लिए। टू कंट्रोल द स्पीड, स्पीड को नियंत्रण करने के लिए। टू डिक्रीज द स्पीड, स्पीड को घटाने के लिए। तो लेद में टामलर गियर अरेंजमेंट यूज़ होता है लीड स्क्रू को दोनों दिशा में ले जाने के लिए। टू मूव द लीड स्क्रू इन बोथ डिरेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द कटिंग स्पीड दैट इज बी डब्ल्यू इज इक्वल टू पाई डी डब्ल्यू एन डब्ल्यू बाई 100, व्हाट इज डी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो कटिंग स्पीड का फॉर्मूला होता है तो उसके ऊपर में क्वेश्चन किया जा गया है। तो ये जो है आपका सिंपली ग्राइंडिंग मशीन का जो आपका कटिंग स्पीड होता है उसके ऊपर देखिए क्वेश्चन किया गया है। तो सिंपली आपका जो पूछा गया है कि कटिंग स्पीड का फॉर्मूला, कटिंग स्पीड का फॉर्मूला जो होता है भी इज इक्वल टू भी मतलब कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 100। तो ये भी को भी के साथ डब्लू जोड़ दिया, ठीक है। तो ये हो गया भी डब्लू, भी डब्लू इज इक्वल टू पाई जो है पाई रह गया और डी के साथ डब्लू ऐड कर दिया, तो डी डब्लू और एन के साथ डब्लू ऐड कर दिया एन डब्लू, ठीक है जी। तो डी डब्लू बाई एन डी डब्लू इंटू एन डब्लू बाई 100 और भी के साथ भी डब्लू ऐड कर दिया, तो भी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इंटू एन डब्ल्यू बाई 100। तो इसी को हम लोग लिखते भी इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 100। तो ये डी के साथ डब्ल्यू ऐड कर दिया, एन के साथ डब्ल्यू ऐड कर दिया और भी के साथ डब्ल्यू ऐड कर दिया। तो इसमें पूछा जा रहा है डी क्या होता है, तो डी हम लोग सिंपली जानते हैं कि पाई डी एन बाई 100 जो होता है इसमें हमारा डी जो होता है डायमीटर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। तो देखिए ऑप्शन में डेप्थ ऑफ का, डायमीटर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, डायमीटर ऑफ वर्क पीस, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से आंसर होगा डायमीटर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील का व्यास। उसके बाद 39 क्वेश्चन देखिए, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी कट विद रास्प कट फाइल। रास्प कट जो फाइल होता है, ठीक है, रेस्प कार्ड। तो रेस्प कार्ड फाइल में निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ कर्तन किया जा सकता है, स्टील, कास्ट आयरन, वुड, ब्रोंज। तो सभी लोग जानते रेस्प कार्ड जो फाइल होता है, रेस्प कार्ड में हम लोग वुड को फाइलिंग करते हैं। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेंथ ऑफ द हैक्सो ब्लेड इज मेजर्ड फ्रॉम, हैक्सो ब्लेड का जो लंबाई मापी जाती है वो कैसे मापी जाते हैं। वन एंड ऑफ द टूथेड पोर्शन टू द अदर एंड, सेंटर ऑफ वन पिन होल टू द सेंटर ऑफ अदर पिन होल, एंड टू एंड ऑफ ब्लेड, एंड ऑफ वन होल टू द एंड ऑफ अदर पिन होल। तो लेंथ ऑफ हैक्सो ब्लेड जो होता है सेंटर ऑफ वन पिन होल टू द सेंटर ऑफ अदर पिन होल, यानी कि एक छिद्र के केंद्र से दूसरे छिद्र के केंद्र तक जो होता है हमारा हैक्सो ब्लेड का लंबाई होता है। ये जो होता है आपका जो हैक्सो ब्लेड ऐसे होता है, ठीक है। तो इसका जो ब्लेड में आपका जो छिद्र होता है तो इस छिद्र का सेंटर से
दूसरा छिद्रों का सेंटर तक जितना डिस्टेंस होता है वही होता है आपका लेंथ। ठीक है, तो चलिए आज का 10 टेक्निकल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहिए, धीरे धीरे आपको पूरा क्वेश्चन पेपर का जो है आपको क्वेश्चन एंड आंसर मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।